खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार। लाओस में एक बार फिर पीएम मोदी ने इशारों में ही पाकिस्तान पर साधा निशाना। आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा को बताया समाज की सुरक्षा के लिए खतरा। आज ओबामा से करेंगे मुलाकात। आम आदमी पार्टी एक बार फिर घिरी यौन शोषण के आरोपों से। पंजाब में सामने आया एक नया स्कैंडल। पूर्व पदाधिकारी ने पार्टी नेताओं पर 52 महिला वॉलंटियर से यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश को नहीं मिल पाया विशेष राज्य का दर्जा। केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज देने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नायडू ने फैसले का किया स्वागत। विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। नवजोत सिंह सिद्धू आज अपनी नई राजनीतिक पारी का करेंगे ऐलान। प्रगत सिंह और सिमरजीत सिंह बेंस के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए फ्रंट के सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं सिद्धू। और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत पर साधा निशाना। भारत अमेरिका वॉर पैक्ट डील को बताया मुस्लिम समुदाय विरोधी। और आप देखेंगे आज की 5 बड़ी खबरें। लाओस में एक बार फिर पीएम मोदी ने इशारों में ही पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने आसियान के 14वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा को समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा लाओस के विंटनन में हो रहे आसियान शिखर सम्मेलन के इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। ये जानकारी व्हाइट हाउस ने दी। व्हाइट हाउस की ओर से प्रेस के लिए रोजाना जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया, दोपहर के वक्त राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद दोनों नेता संक्षिप्त बयान दे सकते हैं। पिछले 2 साल में ये मोदी और ओबामा की 8वीं मुलाकात होगी। बीते रविवार को भी चीन के होंगझाओ में G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ओबामा ने एक मुश्किल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में GST सुधार पर साहसिक नीतिगत कदम उठाने के लिए भारत की तारीफ की थी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी दिल्ली में सेक्स स्कैंडल की आग ठंडी नहीं हुई थी, पंजाब में एक नया स्कैंडल सामने आ गया। एक और नेता सेक्स स्कैंडल में फंसे। पार्टी के एक पूर्व कन्वीनर ने पंजाब में आम आदमी पार्टी नेताओं पर 52 महिला वॉलंटियर से यौन उत्पीड़न का आरोप जड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर में आम आदमी पार्टी की एक महिला नेता ने दावा किया है कि 52 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया गया है। उसके पास इन सभी के नाम हैं। इस बात की शिकायत जब हाईकमांड से की गई, तो वह मामले को दबाने में जुट गए। उसकी पार्टी के नेताओं ने उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर लीक करवाई। इस आरोप के बाद पंजाब महिला आयोग ने DGP से इस मामले की जांच के लिए कहा है। DGP जांच करके आयोग को इसकी रिपोर्ट देंगे, इसके बाद इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। BJP से अलग हुए नवजोत सिंह सिद्धू आज अपनी नई राजनीतिक पारी को लेकर बड़ा ऐलान करेंगे। सिद्धू आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो पूर्व अकाली दल विधायक प्रगत सिंह और लुधियाना से निर्दलीय विधायक सिमरजीत सिंह बेंस के साथ शामिल होंगे। कुछ दिन पहले सिद्धू की पत्नी ने आवाज़ पंजाब का पोस्टर फेसबुक पर शेयर किया था, जिसमें ये सभी नेता एक साथ नजर आ रहे थे। माना जा रहा है कि नई पार्टी का नाम आवाज़ पंजाब होगा और सिद्धू इस पार्टी की ओर से CM पद के दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा इस पार्टी से जुड़े लोगों की नजर आम आदमी पार्टी से निकले गए सुच्चा सिंह छोटेपुर पर भी है। छोटेपुर आपके राज्य संयोजक थे और उनको साथ जोड़ने से इस नई पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने में काफी सहायता मिल सकती है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज देने का ऐलान जरूर कर दिया है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश के लिए जिस विशेष पैकेज का ऐलान किया है, उसमें पोलावरम सिंचाई परियोजना का पूरा खर्च उठाना, कर रियायतें देना और विशेष सहायता देना शामिल है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वित्तीय पैकेज की केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणा स्वागत किया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए वित्त पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि अगर केंद्र ने राज्य को विशेष दर्जा दिया होता तो वह और खुश होते। नायडू ने कहा कि केंद्र को अपने वादों को सच्ची भावना से और समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। उधर राज्य के विपक्षी दलों ने जेटली की घोषणा की आलोचना की
और कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। विपक्ष के मुताबिक ये बीजेपी द्वारा दिया गया स्पष्ट धोखा है, ये इतिहास में एक काला दिन होगा। जमात उद्दावा के प्रमुख और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। सईद के निशाने पर इस बार भारत अमेरिका वॉर पैक्ट डील रहा। हाफिज सईद ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ समझौता पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर और पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। सईद ने आगे कहा कि अमेरिका का चीन से विवाद है, भारत का पाकिस्तान से विवाद है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के कारण दोनों के हित एक हो जाते हैं। हाफिज सईद इससे पहले भी भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहा है। कुछ दिन पहले कश्मीर में जारी हिंसा को लेकर बयान जारी करते हुए सईद ने दावा किया था कि कश्मीरियों ने विभाजन से पहले घोषणा की थी कि वह पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन विभाजन के बाद भारत ने जबरन जम्मू कश्मीर में सेना भेज दी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।